और आप भी अगर सच नहीं दिखाओगे तो एक दिन आपके भी कपड़े उतार के नंगा करके मारेंगे लोग आपको। कुनरकी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शरावत, मेंडाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरण पाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद, डीएस ओ अजय प्रताप सिंह और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर इंजीनियर कौन नहीं जानता है। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा, सबकी नौकरी पीएफ पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चों परिवार रिश्तेदार समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस दिखा से देखेगी, कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात फिर कहता हूं, इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा, सबकी नौकरी पीएफ पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे परिवार रिश्तेदार समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। और मेरी सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दो बार बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी बेईमानी करना चाहते हैं, वोट डालने के लिए रोक रहे हैं, उनकी जानकारी दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से हमें आश्वासन मिला है तो ये चुनाव निष्पक्ष होगा और जो वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। और सुनने में यह भी आ रहा है कि खासकर मीरापुर विधानसभा में मैं उन अधिकारियों की जानकारी करूंगा जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड उनका छीन लिया है और अंदर खुद ही वोट डलवा रहे हैं। ऐसे पीठासीन अधिकारी, ऐसे बूथ ग्राम सीकरी बूथ नंबर 38, 39, 40, 41, 43, खेड़ी फिरोजाबाद वहां के बूथों पर, जौली में जहां मैं खुद गया था, मतदाता एक ही मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहा है, बूथ नंबर 141, 142, 143, 146, 155, इन पर जो पीठासीन अधिकारी है जो बैठे हैं, हम लोग नोट करके रखेंगे कि जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि थोड़ा बूथ नंबर 286, 287, 288 और बड़ी सूचना हमारे उन कागजों में है जो है, ये हारने वाले डरे हुए हैं इसीलिए वोट को रोक रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर से जो बात हुई है वो भी इन सभी वीडियोस को देख रहे होंगे और ऐसे संबंधित अधिकारी खासकर पुलिस के जो वोटर्स को रोक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब रिपोल तो नहीं, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऐसे अधिकारियों का कार्रवाई करेगा। रिपोलिंग नहीं, पहले तो पोलिंग कर लो, वोट डलवा लो अपना। और आप भी अगर सच नहीं दिखाओगे तो एक दिन आपके भी कपड़े उतार के नंगा करके मारेंगे लोग आपको। याद होगा जालौन में पत्रकार पीटे थे कपड़े उतार कर, इन्हीं की सरकार में। अरे मैं तो बता रहा हूँ, बीजेपी वाले वो लोग हैं जो खुद गड़बड़ करा रहे हैं। आप वीडियो देखिए, किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ का वीडियो हो तो बता दो हमें, ये कौन से वीडियो दिखाई दे रहे हैं? ये सब वो बूथ हैं जहां समाजवादी पार्टी का वोट है, बीजेपी के वोटर खुद नहीं निकल रहे हैं। और इस तरह का व्यवहार अगर प्रशासन का और लोकतंत्र में देखेंगे, ये बाबा साहब का भीम अंबेडकर जी का दिया हुआ हमें अधिकार है कि जहां एक वोट डालने का मौका मिलता है, अगर यही अधिकार छीना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी नहीं निकलेंगे, वो भी वोट डालने समाजवादियों के पक्ष में निकल पड़ेंगे। कभी समाजवादी पार्टी इसका जो सीट करहल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है, आपको नहीं समझ में आता इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो कि कौन बेईमानी कर रहा होगा? बीजेपी के खुद बेईमान कर रहे हैं, बेईमानी। इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने, इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने विकास पर अगर वोट मांगा तो बता दो हमें, क्या इन्होंने विकास पर वोट मांगा? ये जो अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं, इस बाई इलेक्शन के बाद इनका सिंहासन भी चला जाएगा सर, आधा दिन। इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं अपने वोटरों से,
हम मतदाताओं से अपील करेंगे लगातार कि वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहे। एक बार अगर पुलिस वापस कर दी दोबारा जाएं, अपना आईडी कार्ड मांगे और जो संबंधित अधिकारी आपसे छीन है उनका वीडियो बनाइए और वीडियो हम लोगों को भेजिए, जारी करिए। और कुनरकी में तो हमारा प्रत्याशी खुद ही कह रहा है, सबको पास वीडियो है, जहां चुनाव प्रशासन को काम करना पड़ता है वोट डलवाने के लिए कि ज्यादा वोटर निकले। इसी तरह कमिश्नर जो हमारे हैं कानपुर के, उनसे बात हुई, मैंने कहा याद कीजिए बाई इलेक्शन में आप क्या कर रहे थे। जब मेरा पहला बाई इलेक्शन था यही एसएसपी थे, समझ के हमने कम से कम कैरियर के आखिरी समय पर कुछ दाग लगवा करके मत जाना। सर आधा दिन वोटिंग का निकल चुका है, आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हो चुकी है, तो क्या सुबह से जब से बात हुई है तब से पॉजिटिव रिस्पांस है इलेक्शन का? आप देखेंगे क्या हो रहा है, आप देखेंगे, जानकारी करेंगे, अभी तक तो आगे की तैयारी कर रहा था मैं। पांच घंटे नहीं, जब तक लाइन में लगे रहेंगे तब तक वोट पड़ेगा। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं अपने वोटरों से कि अगर एक बार पुलिस वापस करे तो दोबारा जाए। अगर वो आईडी कार्ड मांग रहे तो दोबारा पुलिस नहीं चेक कर सकती आईडी कार्ड, बाकायदा हमारे पास कागज है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी बीजेपी के साथ हो गए हो, कुछ हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, कुछ होगी बोल रहे कुछ हो गए हैं? नहीं, हमारे पास जो नाम आए हैं कुनरकी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शरावत, मेंडाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरण पाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद, डीएस ओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर अंजनेर कौन नहीं जानता इनका, मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसमो के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रविंद्र श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज, ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा, सेंट्रल कानपुर चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए। जहां चुनाव प्रशासन को काम करना पड़ता है वोट डलवाने के लिए कि ज्यादा वोटर निकले। इसी तरह कमिश्नर जो हमारे हैं कानपुर के, उनसे बात हुई, मैंने कहा याद कीजिए बाई इलेक्शन में आप क्या कर रहे थे। जब मेरा पहला बाई इलेक्शन था यही एसएसपी थे, समझो मुझके हमने कम से कम